अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और देखो इधर वाइपर लग रहा है, पानी डालकर वाइपर लगा रहे हैं। पानी डाल के डिटॉल और साबुन डाल के अच्छा से वाइपर लगाए, क्योंकि मक्खियाँ बहुत हो गई थी घर में, तो इसलिए वाइपर लगा रहे। तो डिटॉल डाल के तो थोड़ा बहुत ये रहता। बारिश सीज़न में पता नहीं क्यों कहाँ से मक्खियाँ आ जाती। और ये देखो बिल्ली, एक बिल्ली ने बच्चे डाली थे, तीन बिल्ली हमारे पीछे आंगन में, तो अच्छा दिख रहा था तो मैं क्लिपिंग कर ली थी, बहुत खेल रही थी। देखो वो बड़ी बिल्ली के तीन बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बिल्ली दिख रही है और एक बिल्ली आती खेलने के लिए, देखिए भाग ले कर देखिए आ गई। और एक पता नहीं कहाँ है, उधर खेल रही होगी साइड में। चलिए अब ये यहाँ पर देखिए इवनिंग का टाइम है, शाम का, तो बच्चों ने ऑनलाइन का ट्यूशन लेते 7:30 to 8:30 ऐसा उनका कोचिंग चलता रहता। दोनों लैपटॉप पे बैठे डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं मेरी बहन के बच्चों को। आओ इधर चल रहा ये है लोबों की रेसिपी, लोबे इवनिंग स्नैक्स के टाइम हम लोग देते बच्चों के लिए, क्योंकि हेल्दी रहता बोल के, और प्रोटीन रिच फूड भी है तो इसलिए अच्छा रहता है बोल के। पहले मैं लोबे चने और काले चने वो भी अच्छा है, तो इसलिए पान और मोट बोलते ना, और क्या बोलते हैं ठहरो, और एक चीज़ रहती क्या है वो भूल गई मैं। चलो इसमें इतने चार पाँच जो वो दाने रहते ना, उबाल के अच्छे से मैं बनाती हूँ। देखिए इसकी सिंपल सी रेसिपी, आप लोग भी समझो एक कप या दो कप जितने आप लोग हैं उतना लोग आप लोबे भिगा के रख सकते हो ओवरनाइट या सुबह में। अगर आपको सुबह में खाना है तो ओवरनाइट करो, अगर शाम में खाना है तो सुबह में भिगा के रखो तो भीग जाते हैं। और एक गिलास पानी जितना उबल सकता उतने पानी डाल के, थोड़ा सा नमक जितना नहीं टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा इसे डालो। अब प्रेशर कुकर लगा लो, तीन सीटी काफ़ी है, इसको ज़्यादा मत लगाओ, दो ही काफ़ी है। लोबे बहुत जल्दी गल जाते, अगर ऐसे सीटी नहीं लगा सकते तो ऐसे भी उबाल सकते, बट देखिए मैं दिखा रही हूँ दो सीटियों के बाद कैसा गल गया, मस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया। उसका पानी वेस्ट मत करो, उसका पानी भी हम आटे में गूंथते स्टम्प पे डाल सकते हैं या सब्जियों में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता पानी उसका भी, बहुत प्रोटीन है उसमें और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बहुत रहता। प्लीज़ ऐसे पानी मत फेंकिए। अब यहाँ पर देखिए मैं बघारने के लिए प्याज मिर्ची और करी पत्ता काट के रख दी। ये प्रोटीन रिच फूड है, अगर डाइटिंग के लिए भी करना है तो आप ले सकते हैं, या जो बढ़ते बच्चे हाइट ग्रोइंग बच्चे रहते ना उनको तो कंपलसरी देना है, जो टीनेजर रहते उनको तो कंपलसरी देना है। चलो मैं कढ़ाई ले ली, अब यहाँ पर आते हैं। कढ़ाई में एक तेल जितना चाहिए उतना, जितना मतलब ज़्यादा ऑयल भी मत डालो क्योंकि ये हो जाता फिर। मैं कितना, एक टेबल स्पून उतना तेल, ज़ीरा राई डाल के अच्छे से इसको तड़के अच्छे से तले जाना उसको, ज़ीरा और राई, नहीं तो फिर वो राई कच्चे रह जाती, ज़ीरा तो चलो खा लेते राई तो खा नहीं सकते। देखिए अब मैं डाल रही हूँ प्याज, ऑलरेडी मैं कट करके रखी थी पहले प्याज, फाइनली नहीं तो थोड़ा बहुत मोटा भी रह सकता। और उसके बाद थोड़े से हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से, और थोड़े से करी पत्ता फाइनली चॉप, सारा डाल तो वो भी अच्छा नहीं रहता, मुँह में आ जाता। अच्छे से इसको तल लो नरम प्याज को, प्याज और मिर्ची को अच्छे से तले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आप डालो हाफ चम्मच उतना हल्दी, अच्छे से उसको भी पका लो, हल्दी की बास गए तक अच्छे से उसको भी तल लो तेल में। ऐसा सिंपल से बनाओ, बच्चों को भी अच्छा रहता और मसालेदार सब कुछ। लो प्याज मिर्ची हरी मिर्ची पीस कर बनाते वो उतना ओके, बड़े लोगों को अच्छा रहता पर बच्चों के लिए तेज़ अवॉइड, जो बच्चे तेज़ नहीं खाते, तेज़ इन द सेंस थीका, जो उनको उतना ये नहीं रहता। अगर हम मिर्ची काट के डालें तो वो मिर्ची साइड में से निकाल लेके खाते। अब देखिए हो जाने के बाद मैं डाल रही हूँ उबले हुए लोबे, ऐसे छान कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालते हैं। अगर आपको ऐसे खुले खुले रहना पड़ता तो ऐसे डाल सकते हैं। पूरे लोबे दाल को एक
2 मिनट्स या 3 मिनट्स में अच्छे से इसको पका लूँगी, पकाना इन द सेंस अच्छे से इसको हिला लूँगी, सब कुछ सब मसाला उसको अच्छे से कोट हो जाए से लगा लूँगी। आप इसमें रोटी भी खा सकते या ऐसे भी खा सकते, आपकी चॉइस है, बट ऐसे ही खाना अच्छा रहता, रोटी में भी खा सकते बट बच्चों के लिए तो ऐसे ही अच्छा रहता। ऐसा स्नैक्स बना के बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए और हेल्दी रहिए सब लोग, आप और आपकी फैमिली। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।